पीटीआई हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे थे। फैजुल हसन चौहान का इल्ज़ाम, कहते हैं गवर्नर हाउस में उस्मान बुज़दार के खिलाफ मीटिंग्स होती थी। सऊदी सर्वर ने सर्वर फाउंडेशन के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठे किए। अलीम खान जिन हाथों में खेल रहे हैं सब पता है। अब्दुल अलीम खान के खिलाफ नैब में ठोस शवाहिद पर इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। अलीम खान मरहूम वालिदैन के नाम पर टीटी लगवाते रहे। आइंदा तलीमी साल में कुरान पाक की लाजमी तलीम का इम्तिहान होगा। पंजाब तलीमी बोर्ड की जानिब से फैसला कर लिया गया। तलीमी बोर्ड की जानिब से ताहाल इम्तिहान के नंबर्स का फैसला ना हो सका। असातिज़ा के तबादलों के लिए दरख्वास्तों की भरमार। 14,000 के करीब असातिज़ा ने तबादलों के लिए अप्लाई कर दिया। सबसे ज्यादा ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए दरख्वास्तें दी गईं। दरख्वास्तें 13 अप्रैल तक जमा करवाई जा सकती हैं। पंजाब पुलिस में कॉन्स्टेबल्स की भर्ती का मामला। तहरीरी इम्तिहान का रिजल्ट 13 अप्रैल को जारी होगा। उम्मीदवार रिजल्ट लाहौर तलीमी बोर्ड की वेबसाइट पर भी देख सकेंगे। 72,000 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान दिया था। और डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान। डॉलर 66 पैसे मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 184.75 रुपए पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 186 रुपए से ज्यादा हो गया।